द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो रे गोरी, अरे ब्याह करना से तेरे लाल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना से तेरे लाल का। से टूट कौन करे किसकी शादी, तू कर मन भकावे झूठ, दासी बन दिन काट रही पैरी बसे चारो कूट। यही तेरवी साल गोरी, यही तेरवी साल गोरी, यही तेरवी गोरी, जैसे तैसे लई काट, यो किस्मत की बात प्यारी, फिर भी ऊंचा रहा पाट। अब मनु बेटे के संग में बेटी ब्यावे राजे राटे, अब मनु बेटे के संग में बेटी ब्यावे राजा बेराटे, अब मनु बेटे के संग बेटी ब्यावे राजा बेराटे। किरसन भरे काबा होर गोरी, दर्शन हो गोपाल, हो द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, अरे ब्याह करना से तेरे लाल। बेनीवाल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बेनीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। श्री ब्रजलाल जी सारणीवाल साहब, पहले भी ब्रजलाल जी ने 100 रुपए दिए थे, फिर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद करता हूँ। आइए, भात भरने के लिए कौन आएगा? योगी राज श्री कृष्ण भाताई बन के आवेगा, गोपाल का दर्शन होगा। ओहो हो, हो हाँ। गोपाल का दर्शन होगा। हाँ। वो भात भरने के लिए आएगा, आएगा। वो छलिया माखन चोर चोर कहीं का जो गोपियों के चीरों को भी चुराता है, वो आएगा भात भरने के लिए। ये तो सब लोगों ने बेमतलब की बात बना रखी है, नहीं तो कृष्ण हाँ। ने किसी के चीर नहीं चुराए। ये भी बेमतलब की बात बना रखी है कि तू हिजड़ा है, ये भी बेमतलब की बात है, क्योंकि एक साल मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए उसे कुछ भी कह ले, बकवास मत कर ज्यादा। राजी से मानेगा या फिर लठ से मानेगा? अरे एक बात बता दूं, हाँ। इब ये 13 साल पूरे हो गए, अब तू अपने आपे में आ जा, बहुत आपे में तू आ जा, बहुत दिन हो गए, 12-13 साल हो गए धक्के खाते खाते जंगल में, ठीक है, गुस्सा मत दिला, मेरे बालों की तरफ देख, ये कितने दिन से खुले फिर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन तसल्ली कर ले, भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी है, मार देगा उन्हें। तुम सारे के सारे ना बेकारों खारिज बिल्कुल, और सुन मेरी बात, सुना सुन ले। अरे कृष्ण जी का मेरे सामने, कृष्ण जी का मेरे सामने, हिजड़े मत लीजिए नाम, मैं तो कहूँ ग्वालिया, चाहे कोई कहे घनश्याम, तू काहे का महारथी तेरी भी
फिर फेरे गाम गाम ये दोनों कटे मन नहीं रा ये दोनों कटे मन नहीं सीधी सीधी बोल आज देश है पराया रे गोरी क्या आनी चाहिए तन्ने लाज उत्तरा कुवारी ब्याहवे कन्यादान में देगा राज उत्तरा कुवारी ब्याहवे राजा कन्यादान में देगा राज अरे घणी है मिले की दात हो गोरी अगर तुम्हें दात ही चाहिए थी दहेज के लिए तुम शादी कर रहे हो तो पहले ही बोल देता। बात दहेज की नहीं है, मेरा कहने का मतलब है इज्जत बढ़ेगी। मतलब इज्जत बढ़ेगी तुम्हारी, जिसके घर में रहते हो, जिसने रहने के लिए पनाह दी तुम्हें, उसकी बेटी को ब्याह के लाने में शर्म नहीं आएगी तुम्हें। तेरी जुबान हमेशा टेढ़ी चलती है। टेढ़ी नहीं, सही कह रही हूँ, मैं माल के भिखारी हो तुम। तेरी इस जुबान के कारण दूत कीड़ा हुई, तेरी इस जबान के कारण ये पांचों पांडव दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या मैंने ही कहा था तुम्हें कि जुआ खेलना और जुए के ताप पे मुझे भी लगा देना, शर्म करो जुआरी कहीं के। तो तुझे भी इतनी शर्म आनी चाहिए थी कि अपने जेठ बराबर पिता बराबर जेठ को बोल तू मेरा या उसका है। आखिरकार वो दुर्योधन भी भाई है हमारा। मतलब मैं कौन हूँ? तू ज्यादा बात मेरी मानेगा उसकी मानेगा, मुझसे जिंदगी कटेगी उससे जिंदगी कटेगी। वो तो इबता सिर पे था तू ही धर ली, हमने सिर पे तू धर ली, ब्याह होने ही नहीं दूंगी तुझ में और तेरे ब्याह में आग दे दूंगी आग। यार जितनी बहनें बैठी हैं तुम भी ऐसे ही लड़ोगे जैसे यू लड़े, एक भी ना लड़ती तेरी ढाल तो तेरी ढाल भी इनके पति ने जंगल में ले ली। ताई तुम में भी कोई अपने घर वाले में आग दे, आग दे दूंगी तेरे में और यो आग दे। हाँ मैं दे दूंगी तुझ में आग, पली जूस बना दूंगी तेरा पैर। अच्छा सुन मेरी बात। ओहे और करे मैं तुझे हे रमाल के भिखारी तने रे माल के भिखारी तने छतरा पण पहलिया दिया दाग उस कुआरी कन्या ने ब्याह के मेरी तरह फोड़ो भाग इतने जुड़ा नहीं बंधेगा थारे ब्याह में दे आग इतने जुड़ा नहीं बंधेगा थारे ब्याह में दे आग। अरे घर में बहु हटीली होते लोग करें ना आन कान ब्याह में बीज का लेखा ब्याह में बीज का लेखा काहे काहे को कर दिया डायन पहलम चूड़ा बंधवा दूं अरे अभी उठा कर ल्याऊं पहले चूड़ा बंधवाऊं अभी उठा कर ल्याऊं बान सभी रस कात हो गोरी झगड़ा जो तेरे साल का रोते सुन ले खुशी की बात हो गोरी ब्याह करना से तेरे
कही है तूने मर्दों वाली बात, शाबाश, यही उम्मीद थी मुझे तुझसे, यही बात मैं कहलवाना चाहती थी तुझे। तो उसे ही बढ़िया बतावेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ, कहते हैं ना जी, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरा हाथ है तेरी कामयाबी के पीछे। अब तू जो युद्ध जीत के लाया है, मैंने ही तो कहा था तुझे, मतलब तू जब ही तो गया, वरना तू जाता ही नहीं और तेरी वाह वाह भी नहीं होती। युद्ध जीत के आया हूँ तो तेरी, मैंने ही तेरी बदौलत है और क्या। यू बाबा रामदेव इतना सक्सेसफुल हो गया, इसके तो औरत है ही नहीं। जो देश का मुखिया बना बैठा है उसने भी 500 साल पहले ही छोड़ दी, उसके भी कोई ना। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा उसके भी कोई ना। एक हरियाणा का मुख्यमंत्री बैठा उसके भी कोई ना। एक बंगाल की मुख्यमंत्री बैठी है उसके भी कोई ना। ऐसा है, बिना औरत के वो तिर गए, तू नहीं तिरेगा। अच्छा हाँ, तुझे जरूर है। धक्के खाती फेरे नार महारानी बना के तने, कास्ती की करा दी कार, बहने नहीं ना तू बहू ने लेके जागा किसके द्वार। और मत ना रो द्रौपदी रे, मत ना रो द्रौपदी रे, अब दुख के दिन गए सारे बीत, आज तलक हार थी पर आगे आगे सारी जीत। अभिमन्यु बेटे के ब्याह में क्या राजी हो के गाले गीत। अभिमन्यु बेटे के ब्याह में राजी हो के गाले गीत। पूरी हो चाचात हो रे गोरी, गाना हो पीरू स्वरे ताल का द्रौपदी, सुन ले खुशी की बात हो गोरी, यहाँ करना से तेरे लाल का। हो तू तो पटड़े ऊपर पैर धरने ने और मत नंदलाल उठिए, तेरा भात देन ने त्यार खड़िया तू, मत बे बे धमकिए, भात देन ने त्यार खड़िया तू, मत बे बे धमकिए। पटड़े ऊपर पैर हाथ देन रे प्यार खड़ा तू, मत बेबे धम कहिए। तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से दर्शन हो जा दोनों के, व समय चैन का हो से के, भाई का फर्ज समय जो दुख देने का हो से ना, भाई का फर्ज बहन दे अलग रहन का हो से ना, भाई का फर्ज बहन ते अलग रहन का हो से। अरे कृष्ण कहाँ निभाया था तने, हेरे रे कृष्ण कहाँ निभाया था तू अपना फर्ज बताइए। रुकियो भाई ढोलक मास्टर, रुक जाओ जी, शर्म आनी चाहिए तुझे, तुझे आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। मैंने कहीं भी अपना फर्ज नहीं निभाया ना, मेरी ताई मैंने कहीं अपना फर्ज नहीं निभाया, नहीं निभाया ना,
इसकी हाँ मत भरो कुछ, ये तो गलत बोले, मेरी हाँ भरो। हाँ तू ही बढ़िया बोले, और क्या, कहीं भी फर्ज नहीं निभाया आज तक, नहीं निभाया, शर्म कर ले तू, कर ले। अरे इतना बड़ा एहसान कर दिया तेरे पर, यूं कह अपना फर्ज बताइए, क्या कर दिया तूने, याद नहीं है तुझे ना? मैं बताऊंगा, कुछ किया हो तो याद भी रखू, बात अच्छी लगे तो फिर ताली बजा के बताना, तुम्हें भी याद करवाऊंगा। कहियो, कृष्ण कहा निभाया था तू अपना फर्ज बताइए, तेरा चीर, तेरा चीर द्रौपदी ना खिंचने दिया, मेरा मत एहसान भुलाइए, मेरा चीर द्रौपदी ना खिंचने दिया, मेरा मत एहसान भुलाइए। ओहो हो, आ गया मुझे याद, तू उस दिन की बात कर रहा है, आ गया मुझे याद, इन्हें भी याद आ गया, तू इसे एहसान का नाम दे रहा है। अरे जब तेरा तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरा दुनिया में मेरा दुनिया में कोई नहीं था जब तू हुआ है, अगर तू इसे एहसान बता रहा है ना, तो इससे पहले तो मैंने तेरे ऊपर एक एहसान कर रखा है, तूने उसका बदला उतारा है, कोई एहसान नहीं है तेरा मुझे, तूने, हाँ मैंने, अजी देखो जी इसने एहसान कर रखे हैं। अच्छा मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तू ही कर सकता है, पल्ले में कोयले और नाम दौलत राम, जन्म के रंडवे और नाम दूल्हे राजा, सोना झोपड़ियों में और सपने शीश महल के। अच्छा तुझे याद नहीं है, भूल गया, जब कोई एहसान करे हो जब ही तो याद रहेगा, कौन सा था एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया तारा, कौन सा एहसान चढ़ा रख्या वो भेद खोल दे तू सारा, मारा था जब मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगया तुम्हारा, जान गया क्या तन्ने पट्टी बांधी, जान गया तन्ने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा, हो जान गया तन्ने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा, तन्ने वचन दिए एहसान बतारिया, हेरे हेरे रे, वचन दिए एहसान बतारिया, चलिया यहां से जाइए, बगजा और आप मत जाइए दोबारा। पहले एक बात बताऊं, मैं अचानक खड़ा था वो तो ठीक है, अगर मैं वैसे पड़ जाता तो दोनों पैर टूट जाते, पैर टूट जाते, मैं यही तो चाहती हूँ कि तेरे दोनों पैर टूट जाएं, तेरे ढोलक वाले का टूट जाए पैर, तेरे नकाड़े वाले की आंख खराब हो जाए, तेरी हो जाए दोनों, और तेरी ये जो गंजी है ना थोड़ी सी है पूरी गंजी, तेरे बाजे वाले की आंख खराब हो जाए, तू लूला हो जाए, हम तो अभी हो जाते, हाँ हो ही जाता, बढ़िया रहम कर, कुछ भात लेके आया हूँ, एक रुपए का भी भाती और लाख का भाती हो से, ध्यान देना चार लाऊ, एक रुपए का भी भाती और लाख का भाती हो से, और भाई साहब जो मौके को चूक जाए वो खाक का भाती हो से, जो औरों के भी भात भरे वो धाक का भाती हो से, और समय से पहले दर्शन दे दे वो साख का भाती हो से। तू नहीं है कुछ भी, तू नहीं है कुछ भी, चाहे कुछ भी होता हो और चाहे कुछ भी है, लेकिन ना मुझे नहीं चाहिए तेरी औकात नहीं। अब क्या कहियो, अब क्या कहियो, वचन दिए एहसान बतारिया तू चलिया यहां से जाइए, मांगेगी वो मांगेगी वही दे दूंगा पर असल रूप में आइए, मांगेगी वही दे दूंगा पर असल रूप में आइए। असली रूप में आ जाओ, जो मांगूंगी वो दे देगा तू हाथ में।
बात सुन ले मेरी, सुना मेरा पहले जैसा, पहले जैसा मेरा पहले जैसा रूप क्यों बता। हाँ, ना बाजे वाले पे माला, ना पेड़ वाले पे माला, ना नकाड़े वाले पे माला, ये ढोलक वाले के दोनों साइड के माला टंग रही है, क्या बात। इसकी किस्मत में ज्यादा माला, किस्मत का धनी है। हाँ, अच्छा, रोज माला रहती है। मालाओं को इधर उधर जाने ही नहीं देता है। एक माला इसके गले में रोज पड़ जाती है। अच्छा। हाँ, कहियो। मेरा पहले जैसा रूप किया, मेरे खुले बाल देख ले, ज्यादा कोई ना टेम तू पूरा, क्या ज्यादा कोई ना टेम तू पूरे, ये सवाल देख ले, जान गई कंगाल तू जग में, फिर क्या कंगाल देख ले, अरे घाटे में रह जागी भात की, करके टाल देख ले, हो घाटे में रह जागी भात की, करके टाल देख ले, तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, हेरे हेरे रे, तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, मत पाछे पछताइए, तेरी साफ साफ बतला दे बहन, ओ साफ साफ बतला दे बहन, तो भात अनोखा चाहिए, हो साफ साफ बतला दे बहन, तो भात अनोखा चाहिए। भात मांगती हूँ, और क्या मुझे चाहिए भात में वो भी सुन ले। पहले ये सुन। हाँ, पहले देख मैं कितने बड़े दिल का व्यक्ति हूँ। तू देख ऐसी बड़ी बड़ी बात मत फेंक, दिल तो तेरे अंदर है ही नहीं, तू बिना दिल के जी कैसे रहा है। मांग। हीरे मोती सोना चांदी कनी मणि पन्ने जवाहरात। अच्छा, इस गांव के जितने भी बालक ये तुझे भात में दिए, मैं कहाँ तक पालूंगी इन्हें। ये बाबा बुढ़ा ये भी तुझे भात में दिया, मतलब इसके दो चार साल बाद मुझे पैसे लगाने पड़ जाएंगे। अच्छा, ये जितनी बैठी है ये भी तुझे भात में दी, ले जा। हाँ, इन्हें ले जाऊंगी, ये जरूरत का सामान है सारा। ये कैमरे वाला भी तुझे भात में दिया, ले जा। संजना भी मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, फिर ले जाऊंगी। और ये जो माइक वाला है, अच्छा, आदमपुर से आया है, इसके बाड़ों को दिवा दे। अच्छा, ये पूरा ही दिया तुझे भात में, ले जा। अच्छा, मांग। मुझे नहीं चाहिए ना बच्चे, अब कैसे पालूंगी मैं, चेचे में परेशान कर देंगे, वरना इन्हें जरूर लेके जाती। और ये बुढ़ा भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे कोई नहीं चाहिए। हालांकि जगदेव जी सरपंच बनाने हैं, लेकिन अगर नहीं बनाने होते ना तो इन्हें भी दे देता भात में, पर अब सरपंच बनाने 5 साल सरपंचनी का डर है मुझे, मैं नहीं लेके जाऊंगी। ठीक है, मुझे जो चाहिए वो सुन। तीन वचन भर दे छलिया, ना मांगू हीरे मोती, एक वचन मुझको भी दे दे, एक वचन अच्छा मुझको भी दे दे, ना छोटू बहन फिरोती। हर दोनों ने वचन लिए, फिर खड़ी भात पे रोती, तेरा मेरा दोस्त नहीं सब समय सराहनी होती रे, तेरा मेरा दोस्त नहीं सब समय सराहनी होती, अंधार एक छोड़ी मेरा दल का पीऊं, हेरे हेरे रे, हार एक छोड़ी ये दल का पीऊं, मन बहिया खून पिलाइए, खून बचनों को वापस कर, ना वापस कर, ना मुझे भात यही चाहिए, दे सकता है तो दे। तू ये नहीं जानती है ठार एक छोड़ी दल के खून का मतलब क्या होता है? मुझे मतलब नहीं किसी बात से जानने। मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ। अगर मैंने 18 अक्षोणी दल का खून दिया तो
तो इस संसार के अंदर जितनी भी जीव आत्माएं एक भी नहीं बचेगी। कौन नहीं बचेगी? कौन सी जीव आत्मा की? एक भी जीव आत्मा नहीं बचेगी। ये जिन्हें मैं भात में दे रहा था, ये ताऊ जी, ये बच्चे और ये जितनी बैठी है, इनमें तो एक भी नहीं बचेगी, सारी जाओगी। और सुन, ये जो बाजे ढोलकी वाले, नक्काड़े वाले और ये बैंड वाले और ये साउंड वाले, इनमें से भी एक भी नहीं बचेगा। नक्काड़े वाला भी नहीं बचेगा? ना ना, ये भी नहीं बचेगा। ये तो बचना चाहिए था। ये भी सामने वाला लड़का भी नहीं बचेगा। हैं? हाँ जी। और सुन, इन सब की तो बात छोड़, जो तुझे मैं जानता हूँ तू मुझे बहुत प्यार करती है, जो तेरा लाडला भाई है किरसन, जिसे तू अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है, लड़ाई झगड़ा एक अलग है, ये किरसन भी नहीं बचेगा, तेरा भाई भी मर जा, कल मरे सो अबाल मर जा। क्या मुझे मेरा भात चाहिए? तू मरो चाहे कोई और मरो। तू बहन है या डायन है? बहन। आंटी जी, किसी ने आज तक भात के समय अपने भाई तक खून मांगा? मैंने मांगा है। मैंने मांगा है, मुझे चाहिए। मतलब तू मुझे भी नहीं बकस रही? ना, क्यों बकसू तुझे? तू जा। जाएंगे। सुन ले, 18 छोड़ी हेरा तल का पीऊ मन बहिया खून पिलाइए। कैसे बचाया? बात अच्छी लगे तो फिर ताली देना। अब क्या मांगियो? 18 छोड़ी हेरा तल का पीऊ मन बहिया खून पिलाइए। पर पांचों पांडव, पर पांचों पांडव और कृष्ण पे और रहम द्रौपदी कहिए। पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी कहिए। करेगा तो मैं, अरे मैं अग्नि स्वरूपा द्रौपदी तुझे एक वचन कभी देती ही नहीं। और अगर मुझे ये पता होता तू मुझे भी नहीं बख्शेगी तो मैं तुझे 3 वचन दे देता। तुझे तो देने पड़ते, भात लेके आया था तू। मुझे तो देने पड़ते। क्यों नहीं देने पड़ते? मैं तो कह रही थी जा, पर सुन मेरी बात। अरे तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारी चोट कुराड़ी, पहले तेरी रीत चली आई ना, फिरौती लई नुराड़ी, मेरे तुम छयों के बिना कन्हैया खपर रह जा खाली। इस कलयुग में, इस कलयुग में भरवा दूंगा, कर सबर तनक पंचाली हो, कलयुग में भरवा दूंगा, कर सबर तनक पंचाली। कृष्ण भात जय करण कथ के हे रे हे रे, कृष्ण भात जय करण कथ के नित भारत में गईये। नरदेव और मनोज की जोड़ी सभा बीच में सुनइए, नरदेव और मनोज की जोड़ी सभा बीच में सुनइए। पटड़े ऊपर पैर धरने उठइए, हाथ देने प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकइए, हाथ देने प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकइए। वाह कि नौ जानो थारा ढंग देख लगी, भारत मां के दिल पे चोट। वाह
नौजवान बड़ा बदल गया। कहते हैं कि नौजवानों के कंधों पे देश का भार है, लेकिन वो नौजवान क्या देश का भार उठाएंगे जिनमें आजकल खुद ही भार नहीं रह रहा, जिनमें खुद ही कोई वजन नहीं रह रहा। और ये खोट किसका है कि देही के तंत रहना, तंत कहते हैं ताकत के लिए, कि नौजवान के शरीर में आज ताकत नाम की कोई चीज नहीं रही। और ये खोट है किसका, ये सब फैशन बाजी का खोट। नौजवानों सारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट, आदरणीय सरपंच पद के उम्मीदवार आदरणीय अंकल जी जगदेव सिंह पिलानिया जी इस रागनी पर खुश होकर 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने रागनी की केवल स्थाई आपके बीच में अभी रखी है। रागनी यहाँ तक आपकी समझ में आ गई हो तो एक बार हाथ उठा के बताना, आ गई फिर ठीक है। आप बड़े भोले लोग हो, मैं काफी देर से यही देख रही हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा, मतलब लिमिट से भी कहीं ज्यादा भोले हो आप सब। और रागनी के शब्दों पे जरा गौर रखना, पहली कली में क्या क्या सुनने की बात है लिखी। रही नहीं पेंट पहर ली वो गांधी वाली याद लगोटी, रही नहीं चाय पियो थारे घरियानी खुडू दूध की झोली, रही नहीं खाओ छोले और भटूरे सी रोटी, रही नहीं खाओ छोले रही नहीं अब गर्दन मोटी, रही नहीं अब गर्दन मोटी, रही नहीं अरे बाल पिचकवानी ले हो नौजवानो जरा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट, ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट। लेकिन मकानों का रंग ढंग बहुत बदल गया, अब कच्चे मकान कहाँ दिखते हैं, कहीं भी नहीं। प्रेमी सजनों, पहले देशी खाना हुआ करता था, लेकिन आज विदेशी नीतियों को, विदेशी खाने को लोग अपना रहे हैं, तभी जान नाम की चीज नहीं रही शरीर के अंदर। आज अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, लड़की हो, बूढ़ी हो, कोई भी है, आजकल सबके हाथ में तो स्मार्टफोन रहता है, सब बड़े बड़े फोन चलाने लग गए। और जब से ये फोन चला है ना, और नेट की बीमारी लगी है लोगों को, प्यार ही खत्म हो गया। 10 लोग बैठे हैं ना एक जगह, तो 10 के 10 आपस में बात नहीं करेंगे, फोन में लगे रहेंगे। मियाँ बीवी है ना घर पे, मियाँ जी फोन मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, हाँ क्या बना रही हो खाने में, वो कह रही है क्या बनाऊं, व्हाट्सएप बना दो,
बड़ी बुरी बीमारी, बहुत बुरी लत लग गई है लोगों में दूसरी कली के द्वारा। और क्या क्या बातें लिखी सुनो। अरे बिना सवारी एक मील पैदल जाना बस की को क्या, 20 किलो भी वजन आज सर बैठाना बस की को क्या, देखे टीवी फिल्म राम का गुणगाना बस की को क्या, कई कई बोतल कई कई बोतल पी जाओ हर घी खाना बस की को, कई कई बोतल पी जाओ हर घी खाना बस की को, कई कई बोतल पी जाओ। ये बोतल की इतनी बुरी बीमारी चली है, ये तो बेचारी बड़ी दुखी रहती है। कोई कोई तो इतना बड़ा पियक्कड़ होता है, कितना भी समझा लो पर समझेगा नहीं। ठेके पे लिखा होता है ना कि शेरनी का दूध यहाँ मिलता है, जो जिसके अंदर दो घूट चली जाए ना तो समझ लो उससे बड़ा ताकतवर, उससे बड़ा शेर कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ये दारू पी के लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, और पता है कौन सा? अरे बाप नहवाना बस की कोना, बाप नहवाना बस की कोना, बहू का धोते बेटी को, देख लगी भारत माँ के दिल में चोट, और हमारे अजीज आदरणीय ब्रह्मपाल जी इस रागनी पर 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली, जोरदार ताली। आदर जी, जमाना जमाना बड़ा डिंग डोंग हो गया, कुछ बदल गया, कुछ बदल जाएगा, और पता कहां तक बदल जाएगा किसी ने अंदाजा लगाया है और लिखा है कि भाई इस टाइम भी आवेगा कि यो मानस खड़ा लखावेगा, इस टाइम भी आवेगा यो मानस खड़ा लखावेगा, और 2.5 साल का बालक भी जब गंदे गाने गावेगा, 16 साल की छोरी भी अंग्रेजी दारू खाचेंगी, और चाड़ा तुझे पाटेगा जब पी के लुगाई नाचेंगे। पता नहीं क्या क्या होगा अभी तो। आजकल पहले बड़ी पतिव्रता औरतें होती थी, बड़ी सेवा करती थी, लेकिन आजकल बहुत ही कम मिलती हैं जो पतियों के पैर दबाती हैं। आप में से कौन कौन दबाती हैं अपने अपने पतियों के पैर? आप दबाते हो? इतनी बैठी है, एक ने हाथ उठाया, बताओ क्या क्या अच्छा। और तीसरी कली में सुनिए क्या क्या बताया। और हमारे से थारे से बुढ़े अच्छे जो शेर की तरियां ललितारे, बेशक देखो अजमा के ये तुमसे पहले नारे, जैसे जींस लगे अच्छी जब तन पे मास नहीं उधारे, के दारू बाज नीच माँ बापों की इज्जत तारे, बन के दारू बाज नीच माँ बापों
की इज्जत तारे। ये औरत तो घर में रोती रहेंगी, आ रहे होंगे, बच्चों की फीस नहीं गई, बच्चों पे कपड़े नहीं है, सर्दियों में जूते तक नहीं आए, और वहां महाराज जी पी के पड़े, उन्हें मतलब नहीं है बीरवानी से और बच्चों से। ये बीर बिचारी घर सर मारे रे, ये बीर बिचारी घर सर मारे, पहलवान रहा उल्टा लो, नौजवान हो थारा ढंग देख लगी, मार कमा के तेरे पे चोटी, नौजवान हो थारा ढंग देख लगी, मार कमा के तेरे पे चोटी। चौधर चला करती थी ना, अब नहीं चलती। पहले तो जहाँ घर का बड़ा कहता था, पिता कहता था या दादा कहता था, वोट भी वहीं डाली जाती थी, लेकिन आजकल इलेक्शनों में वोट भी वहाँ डाली जाएंगी जहाँ घर का बड़ा बेटा कहेगा, बाप की कोई नहीं सुनता। कि भाई माँ का राज ना बाप की चौधर, और प्यार रहा ना भाई का, अरे हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, कहाँ माँ बापों की पूछ रही है। और लास्ट कली में सुनिए क्या क्या बताया। भाई दुनिया में इज्जत मिलती मानस के उच्च कारियों की, योग से ऊंची रती चढ़ी हनुमान से परण धारियों की, शंकर लाल अब मरद इसे जो सेवा करे नारियों की, कहे घटाना रामेश्वर ये भारत भूमि आर्यों की, कहे घटाना रामेश्वर ये भारत भूमि आर्यों की, अर्थी ये ब्रह्मचारियों की, अर्थी ये ब्रह्मचारियों की, जो बाध्या करत्य मरत लगो, ना जानो धरा ढंग देख लगी, भारत कितने पे छोटे, अरे एक धनवान की बेटी ने रे, एक धनवान की बेटी ने मेरे घर का दामन छोड़ दिया, शादी की दीवाना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, शादी की दीवाना तोड़ी प्यार भरा दिल अपरंपार तेरी माया। वाह, ईश्वर के लिए कहा गया है कि अपरंपार तेरी माया, तू के कर दे एक क्षण में, हे मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, अपरंपार तेरी माया रे, अपरंपार तेरी माया, तू के कर दे क्षण में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के दोनों में से एक थे।
रावण ने क्या अपने मन में सोचा, लेकिन हो क्या गया, सुनेगा पहली कली कैसे। हे रमन में सोची रावण ने रे, हे मन में सोची रावण ने, अंबर में पैड़ी ल्याऊं मैं, सब दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाऊं मैं, अरे जल की काही अग्नि का धुआं किसने दूर हटाऊं मैं, भी कष्ट मिटाऊं मैं, पाप से पहले मरे ना बेटा, यो भी कष्ट मिटाऊं मैं, कहते कहते आगी मूर्छा, कहते कहते आगी मूर्छा, बलती को जा जो मानस के मन में। रावण ने अपने मन में ये सोचा था कि मैं इस भूलोक से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दूंगा, जिसको स्वर्ग तक जाने में जिसको कोई परेशानी ही ना हो किसी को। प्रेमी सजनों, रावण ने ये भी कहा था कि मैं दुनिया में ऐसा कर जाऊंगा कि दुनिया में कभी किसी बाप से पहले उसकी औलाद नहीं मरेगी, क्योंकि जब माँ बाप के आगे औलाद जाती है ना, माँ बाप को पता होता है कि क्या उनके दिल पे गुजरती है। प्रेमी सजनों, दूसरी कली के अंदर क्या क्या बनाया, सोचा तो पता नहीं क्या क्या था, लेकिन रावण को कहते कहते मूर्छा आ गई, सोने की लंका में आग लग गई। और दूसरी कली में सुनिए क्या बताया, कैसे चौधरी जी की इस रागनी पर हमारे श्री मदन पारिक जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, हमारे श्री देवी लाल जी सारण गांव बगड़ा से 100 रुपए, हमारे ढीलू राम जी मुंड 100 रुपए, और हमारे आदरणीय श्री मैनपाल जी मेहरा, जी हाँ श्री मैनपाल जी मेहरा, आपने भी 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के कलाकारों के लिए दिया है। मैनपाल मेहरा जी का और तमाम साथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दुनिया में कोई नहीं
खुद भगवान भी इस होनी को टाल नहीं सकते। त्रेता युग की एक बात बताई कि क्या होने वाला था, लेकिन होनी ने क्या करा दिया, सुनिएगा तीसरी कली के द्वारा बताया। ओए होए दशरथ ने रे, हे मन में सोची दशरथ ने, सब पंडित लोग बुलाए राम को जे दू राज तिलक और कर लियो मन के चाहे। चरत भरत की माता ने फिर चिरिया जाल फलाए, 14 साल वनवास काटने राम बनो को धाए, ये 14 साल वनवास काटने राम बनो को धाए। नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, और ऊपर चढ़ा गगन में मन की सोची पति को को जो मानस के फिर दिया गया और सम्मान किया गया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट कली के द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद जी ने और क्या बातें लिखी हैं, ये भी कहा है, एक तो इंसान पाप उसे समझता है जो अपने हाथों से कोई पाप कर दे, मार दे किसी को या अदर कोई पाप कर दे, लेकिन एक वो होता है कि हाथों से तो कोई पाप करे ना, हाँ। और मुंह से पाप की बातें करे, तो दोनों बराबर हैं, चाहे बात करो चाहे हाथ से कोई पाप करो। ये कहा है पंडित जी ने कि जो बुरी बात होती है ना, वो हाथों से बुरा काम करना तो बहुत दूर, बुरे शब्द भी अगर बोले, बुरे अल्फाज भी मुंह से निकाले, तो उसका भी बहुत बड़ा पाप लगा करता है। सुनिएगा राष्ट्रकली में क्या को बोली रे
पोस इसी साड़ी लिया दे बोस इसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक मेहरानी बोस इसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक मेहरानी जिसकी चमक मेहरानी हो जिसकी चमक मेहरानी बोस इसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक मेहरानी साड़ी ऊपर इर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आरी है हो ऋषि दयानंद तिलक गोखले ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में वो राजगोपालाचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो भाई रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो हंसते 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 जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो काले पानी पहुंचाए काले पानी पहुंचाए पीरों ने जाने के पाली बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके जिसकी चमके हैरानी हो जिसकी चमके हैरानी बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से की इस रागनी पर हमारे बाबूजी बलबीर सिंह जी स्वरूपे का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री धर्मपाल जी पहले भी स्वरूपे का पुरस्कार दिया था और हमारे आदरणीय श्री जिया लाल जी आपने भी इस रागनी पर स्वरूपे का पुरस्कार दिया है। हमारे महावीर जी मेला आपने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है और जिन भी साथियों ने इस रागनी पर पुरस्कार दिया उन सभी का हम बहुत बहुत और दिल से धन्यवाद करते हैं। इस तरह की देशभक्ति की रागनी पर हमें पुरस्कार दिया है, इनाम दिया है। जी हाँ, आदरणीय राम शरण जी 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं देशभक्ति की रागनी पर। बाबूजी श्री हवा सिंह जी ढाका, श्री हवा सिंह जी ढाका साहब एक बार तालियां बजाइए जोरदार तरीके से देशभक्ति की रागनी पर खुश होकर के। और चूंकि आज जगदेव सिंह जी बिलानिया साहब उन्होंने आज ये चुनावी कार्यालय का उद्घाटन रखा है आप सबके कर कमलों से, इस खुशी में ढाका साहब की तरफ से 1100 रुपए दिए गए हैं और आशीर्वाद दिया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। श्री जिले सिंह जी बेनीवाल साहब बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद, चूंकि गोती भाई है और गोती तो कहीं भी मिल जाए बड़ी खुशी होती है, इसलिए वैसे तो कलाकार के लिए सब बराबर होते हैं, मेरे लिए भी सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी आपने 100 रुपए से जिले सिंह जी मान सम्मान किया, बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी कड़ी
पहली, क्योंकि साड़ी के चार पल्लू होते हैं, पहली पल्लू पर सब कुछ बता दिया कि वो भारत के आर्य हैं, वो श्रेष्ठ लोग हों। कौन कौन? 732,680, नोट कर लेना साहब, 732,680 ऐसे नौजवान थे, ऐसे बुजुर्ग थे जो गिनती में हैं और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दी। ये देश वीरों का है, महापुरुषों का है, ऋषि महर्षियों का है। साथियों, इस देश में एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है कि आज सूर्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और हम जिस विदेशी, जिस पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, वहां 6-6 महीने सूर्य नहीं निकलता भाई साहब, और कुछ पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पहले घड़ी नहीं होती थी, अब घड़ी होती है, लेकिन बुजुर्ग उंगली से यह बता दिया करते थे कब लगभग इतना समय हो गया होगा। कैसा महान देश है। इस देश की प्रशंसा करते हुए वह भाभी दूसरी कली में क्या कहने लगी, भला कैसे? चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोसेरी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव वे बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मना रहे हो, आगे की तीन लाइन, आगे की तीन लाइनों पे अगर आपके रोंगटे खड़े कर दूं, आपको लगे कि ये तीन लाइन 100 नंबरों की हैं, आपको लगे कि ये तीन लाइन ताली बजाने के योग्य हैं, तो फिर इस दंगल को, इस प्रोग्राम को पूरी तरह देशमयी कर देना और देश के लिए ताली देना, उस बलिदानी के लिए ताली देना। लेकिन सुनने के बाद मैं जिसका नाम ले रहा हूं, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, चलिया वाले बाग का झलसा, चलिया वाले बाग का झलसा, चलिया वाले बाग का झलसा, जहां टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर बिखरता हो, उस ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता हो, ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता हो, टायर मारा आप मरिया गया था, मार गती खाली सारी रात हो, उसकी चमा के रानी, जिसकी चमा के रानी हो, जिसकी चमा के रानी बोसी ऐसी सारी रात हो, उसकी चमा के रानी। तीसरी कड़ी में कवि ने लिखा सजनों, और राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। अच्छा साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपको, हम सब राम और कृष्ण को मानने वाले लोग यहां बैठे हैं, और आप सब रामायण पढ़ते होंगे, रामायण का सीरियल देखा होगा, कोई व्यक्ति बता सकता है कि मुझे श्री रामचंद्र कितने दिन के लिए वनवास के लिए गए थे? जी बहन जी, 14 साल। अच्छा, कितने आदमी गए थे?
तीन और कितने आए थे? नहीं नहीं, राम लक्ष्मण सीता तीन आदमी गए थे अयोध्या से, और जब वापिस आए 14 साल वनवास काटने के बाद तो तीन ही वापिस आए थे राम लक्ष्मण सीता अयोध्या के। लेकिन अब मैं कहना क्या चाहता हूं जरा ध्यान से सुनना। राम लक्ष्मण सीता तीन व्यक्ति वन में गए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 साल वन में रहे अपने पत्नी के साथ, और साथियों जब वापिस आए तो तीन ही आदमी वापिस आ गए। आज तुम अपने छोरे ने बहू के साथ भेज दो 14 साल के लिए, अगर 12 टावर साथ में लेके नहीं आए तो मेरी गारंटी है, गारंटी है साहब मेरी, एक इधर मिलेगा एक गोदी में, एक इधर ही देख इधर। ये था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र, और उस चरित्र की ही हमको पूजा करनी चाहिए साथियों। क्या लिखा तीसरी कड़ी में? राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पमार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पमार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। ये राजा मोर ध्वज चीर के लड़का, राजा मोर ध्वज चीर के लड़का, सन का शेर जिमाते हो, हिरणा कुश प्रहलाद भक्त को लाल खंब पकड़ाते हो, राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कश मिटाते हो, राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कश मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, वो दिन आजादी का हो, हे पूजे मिल के दिवाली बोस ऐसी साड़ी लाद हो, जिसकी जमा के निराली। सारे महापुरुषों के फोटो मेरी साड़ी बीच समाते हो, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे है गीता ज्ञान सुनाते हो, स्वामी देव दयानंद मारा सोता देश जगाते हो, स्वामी देव दयानंद मारा सोता देश जगाते हो, ये भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का इतिहास बनाती हो। रुकियो गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न मन में आ गया, बुझ लियो। मैं एक ऐसी वीरांगना की तीन लाइन कह रहा हूं जो इस राजस्थान की भूमि से जुड़ी हुई है, उसका नाम है पद्मावत। इस पिक्चर के ऊपर देश में बहुत दंगे भी हुए, बहुत कुछ हुआ, गलत तरीके से फिल्माया गया था। लेकिन यहाँ जितनी भी माता बहनें बैठी हैं, सच बताइयो, रानी पद्मावत के इतिहास के बारे में कौन कौन ज्ञान रखती हैं, जानकारी रखती हैं? एक भी कोई ना। अच्छा, ये माता बहनों की तो बात छोड़ो, ये जितने देवता बैठे हैं, आप ईमानदारी से हाथ खड़े करना, रानी पद्मावत के इतिहास के बारे में कौन कौन जानते हैं? अच्छा, दादा एक जानता पर बीड़ी पीता है, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। रानी पद्मावत इसी राजस्थान की भूमि, और इस राजस्थान की भूमि में भी एक ऐसा कारनामा करके गई
राजा रतन सिंह राणा की पत्नी का नाम था पद्मावत, और ये इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला, जो दिल्ली की गद्दी पर राज करता था, तो उसने निश्चय किया कि चाहे मुझे छल बल से कुछ भी करना पड़े, मैं पद्मावत को प्राप्त करके रहूंगा। और साथियों, चरित्रहीन व्यक्ति यही किया करते हैं, इसलिए इसने राजा रतन सिंह राणा की राजधानी पर धावा बोल दिया। राजा रतन सिंह राणा की छोटी सी सेना थी, अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी सेना थी। कुछ दिन तो युद्ध चला, लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी की जब जीत हुई और राजा रतन सिंह राणा लड़ाई में मारे गए, तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक सिपाही दौड़ करके आया और उसने कहा, रानी पद्मावत, अब अलाउद्दीन खिलजी तेरे दरवाजे पे आएगा और तेरे धर्म को नष्ट करेगा, क्योंकि तेरे पति मारे जा चुके हैं, तेरी सेना मारी जा चुकी है, थोड़ी सी सेना बच रही है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए अब तेरा चरित्र नहीं बचेगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहुंचने वाला है। ओ मेरी माताओं, बहनों, पद्मावत वो थी, उसी वक्त जितनी बहनों ने उनका संग दिया, सबको साथ में लेकर के और एक हवन कुंड में, एक अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राण दे देती है अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले। और अभी पूरी बात सुनो, अलाउद्दीन खिलजी लड़ाई को जीत गया, महल के अंदर पहुंचता है, एक बुढ़िया बैठी हुई थी दरवाजे पर, उस बुढ़िया को पूछता है, बता पद्मावत कहां है, तो वो बुढ़िया जलती हुई चिता की तरफ इशारा कर देती है। ओ मेरी माताओं, मेरी बहनों, जलती हुई चिता को देख करके अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बुढ़िया ये तो जल के मर गई, लेकिन मरने से पहले मेरे लिए या मेरे प्यार के लिए कुछ कहा था? तो बुढ़िया कहती है कि हे नीच अलाउद्दीन खिलजी, अगर तू महारानी पद्मावत के अंतिम शब्द सुनना चाहता है तो देख, उस दीवार पर लिखे हुए हैं। अब मैं वो दो लाइन आपको सुना रहा हूं, पद्मावत मरने से पहले उस खिलजी को क्या लिख के गई थी, इन दो लाइनों में सब कुछ है मेरी बहनों। उस दीवार पर जब खिलजी पढ़ता है तो दंग रह गया, क्या लिखा हुआ था बताऊं? उस दीवार पर लिखा हुआ था मेरी माताओं, मेरी बहनों, कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे पा नहीं सकता। आगे की लाइन पे तालियां उठ जाएं अगर बात अच्छी लगे तो सुनने के बाद, कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता, ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। ये चरित्र था, ये सम्मान, ये स्वाभिमान था रानी पद्मावत का, उसी का जिक्र कर रहा हूं। अरे भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बनाती हो, सती पद्मिनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो, जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो, जिंदी जली धर्म बचाती हो, चित्तौड़ किले के अंदर जिसने चितारे बना ली वो से ऐसी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमा के निराली। इस रागनी पर हमारे मालाराम पंडित जी स्वरूपे का पुरस्कार दिया है, हमारे श्री नफे सिंह बेनीबाल जी स्वरूपे, हमारे धर्मवीर बेनीबाल जी स्वरूपे, श्री सत्यवान बेनीबाल जी आपने भी स्वरूपे का पुरस्कार दिया है, हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र सिंह जांगड़ा जी आपने भी स्वरूपे का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रामायण रामायण महाभारत गीता
धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे उस लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो। और भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो। भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो। अरे साक्रोध के नक्शे पे, उस साक्रोध के नक्शे पे सब दिखे हाली पाड़ी बोसे सी यारी रात हो, जिसकी चमके भाई। पानी महंगा और खून है सस्ता, वाह भाई। पानी महंगा और खून है सस्ता, आज मेरे देश में छोरे भाई मेहनत कस की हालत खस्ता। अरे मेरे देश में, ओ, मेरे देश में पानी महंगा खून है सस्ता, मेरे देश में मेहनत कस की हालत खस्ता, मेरे देश में, ओ, मेरे देश में। चोर परी निर्दोषी फंसता, चोर परी निर्दोषी फंसता मेरे देश में, और सज्जन रोता दुर्जन हंसता मेरे देश में। आज पाप बढ़ा पुण्य नीचे धसता मेरे देश में, रक्षक भक्षक भक्षक बन के डसता मेरे देश में, आज रक्षक भक्षक होके डसता मेरे देश में। ये बहन चचेरी भाई नस्ता, बहन चचेरी भाई नस्ता मेरे देश में, हालत कसी हालत खस्ता मेरे देश में, ओ मेरे देश में। मेरे देश में शुभ कर्मों से नहीं
बसता मेरे देश में। भई दानी दुखी भिकारी मस्ता, दानी दुखी भिकारी मस्ता मेरे देश में। मेहनत कसी हालत कसता मेरे देश में, हो मेरे देश में। अरे मेरे देश में, मेरा पढ़ने गंती अपने दासता मेरे देश में, दूध दही तज चाय नासता अरे मेरे देश में, आज दूध दही तज चाय नासता मेरे देश में। भई हल्का बच्चा भारी बसता, ये हल्का बच्चा भारी बसता मेरे देश में। मेहनत कसी रे हालत खस्ता मेरे देश में, हो मेरे देश में। जहाँ हमारे समाज के हालात बदल गए, जहाँ समाज ने बदलाव लेने का काम किया, वहीं प्रकृति ने भी बदलाव शुरू कर दिए। और प्रकृति ने किस तरीके से बदलाव शुरू किए हैं, ये भी चार लाइनों के अंदर कवि ने बताने का काम किया। गुरुजी हाँ आज सूखे फसल झीलों में बरसता, सूखे फसल झीलों में बरसता मेरे देश में। अन्नदाता भी अन्न को तरसता अरे मेरे देश में, आज अन्नदाता भी अन्न को तरसता मेरे देश में। भई संत दुखी बदमाश हरसता, संत दुखी बदमाश हरसता मेरे देश में। काजू छोड़ कबाब परसता अरे मेरे देश में, काजू छोड़ कबाब परसता मेरे देश में। ना धनी राम पे धड़क व्यवस्था, धनी राम पे व्यवस्था मेरे देश में। मेहनत कसी रे हालत खस्ता मेरे देश में, हो मेरे देश में। पानी महंगा खून है सस्ता मेरे देश में, मेहनत कसी रे हालत खस्ता मेरे देश में, हो मेरे देश में। आसमान में आज चढ़ा होया है पई पारा दुनिया सारी का, ज्ञानी अर्थ लगावे का कोई सुन के बात बारी का, सुन के बात बारी का। आसमान में चढ़ा होया है पारा दुनिया सारी का, ज्ञानी अर्थ लगावे का कोई सुन के बात बारी का, सुन के बात बारी का। Thank you.
पड़ोसी ये दुख दे जा नीच पड़ोसी दुख दे जा निर्धन अर कंगाना के घरी माया खोसी दुख दे जा आज भरी सभा में सरदारों की खामोशी ये दुख दे जा घनी खामोशी दुख दे जा तन में बेहोशी हो तन में बेहोशी दुख दे जा जब चल तीर से सवारी का उसकी मजाक उड़ाता है सुनाता है यह भी दुख देता है साथियों किसी गांव में मंदिर है और उस मंदिर पर नौजवान संत रहता हो साथियों यह भी दुख देता है कभी ने के लिखे भला ये दुख दे जा उठती खांसी दुख दे जा मैं कायर बन के मरा भक्त रे कर की फांसी दुख दे जा गांव बीच में मंदिर पे पूजता सन्यासी ये दुख दे जा पूजता सन्यासी दुख दे जा एक भोजन वासी हो दुख दे जा ना पट तोल बीमारी का ज्ञानी अर्थ लगावे का कोई सुन के बात हमारी का लिखता है कि संसार की कोई भी औरत कितनी भी सुंदर हो कितनी भी सुंदर हो अपनी सुंदरता से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सोचती है जितनी सुंदर है मैं और सुंदर हो जाऊं कई कई तरह की क्रीम लगाती हैं और आज पहरावे सा बदल गया है कि नौजवान बिल्कुल इस ग्रस्त जीवन में ध्यान देना चाहिए और कैसे चाहे घर वालों के कूल बिक जाए पिलोट बिक जाए चाहे सारी नौकरी दाब पे लग जाए पर ये औरत अपने फैशन में कमी नहीं आने देती ये भी दुख देता है साथियों कि लड़की की उम्र हो 16 साल और उसके पति की उम्र हो 40 साल ये भी दुख देता है ये बताए कभी ने दुख दे जा चंचल गोरी दुख दे
जाए माँ बापों के घर डांट ले छोरा छोरी दुख दे जा घर की आल पड़ोसी ले ले भीत में मोरी दुख दे जा भीत में मोरी दुख दे जा भाई नाज की चोरी हो थाली घर भंडारी का क्या नहीं अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का सुन के बात हमारी का जो थेरा की बात में कवि ने तोड़ की बात लिखी है और लिखा है मैं बता रहा था आज नौजवान के अंदर कमजोरी आई है तो क्यों आई है इसके दो कारण हैं आज नौजवान बदला है तो इसके भी दो कारण हैं कौन से एक तो शाम का वक्त होता है चार लड़के खड़े हो जाते हैं चार गली में और कोई सुंदर सी लड़की जाती है तो नौजवान बोलता है अरे क्या गजब का माल जा रहा है अरे नौजवान और कोई मोटी तगड़ी जाती है औरत तो नौजवान बोलता है अरे 24 ट्रक ट्रक जा रहा है अरे नौजवान ये ट्रक तेरे घर में भी है जरा बदल और शाम का वक्त होता है नौजवान दो घूंट घेर ही लेता है इस तरह कमजोरी आ रही है कवि ने लिखा है कैसे आना जाना दुख दे जा आना जाना दुख दे जा भाई दुश्मन के ना माल बिना के बिना खाना दुख दे जा ब्रह्म पाल कहे पीरों का हंस के शर्माना दुख दे जा हंस के शर्माना दुख दे जा एक बेसर गाना दुख दे जा पट तुल दानी का गानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का सुन के बात हमारी का आसमान में चढ़ा हुआ है सारा दुनिया सारी का गानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का सुन के बात हमारी का